जब आप अब जाएंगे ठीक है, तो आप चाइल्ड पैलेस वालों से एक चीज पूछेंगे, सर जो महिलाएं प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए आपने डिस्प्ले कहाँ किया है, पूछेंगे और उसे ये पूछना कि कितनी सेल होती है। अभी मैम अभी अपने गांव से आ रही है तो एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये वहाँ की जो महिलाएं शहद बना रही है बड़े एज में है ना आपने, आप जाएंगे अभी आप थोड़े दिनों में जाओ वहाँ पे, तो आप आ रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का एक बहुत अच्छा मॉडल वहाँ पे चल रहा है, क्या है शहद। तो शहद के बक्से है, पहले क्या होता है जो रीढ़ की हड्डी है कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में वो है होम स्टे, जो हमारा होम स्टे है वो क्या है रीढ़ की हड्डी। आपने देखा 2020 में क्या हुआ, कोविड टाइम आया उसके बाद क्या हुआ, जो टूरिज्म था वो बिल्कुल ही कम हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ 2021 में फिर टूरिज्म खुला तो लोग कहेंगे चाहे होम स्टे आपके गांव में भी कोई होम स्टे होगा ठीक है, आपने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहे वो मुंबई से दिल्ली से चंडीगढ़ से लुधियाना से आ रहे हैं, वो क्या है बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहा जाए होटलों में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि होटलों में क्या था क्राउड था, कहाँ जाना चाह रहे होम स्टे। जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है उसका जो होम स्टे है वो रीढ़ की हड्डी है ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आते हैं, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है जो महिलाओं को क्या फायदा है इसका ठीक है, ये सर जो अच्छा इससे क्या यूज होता है, इससे सर जैसे बाजार में मार्केट में ये इनमें केमिकल्स होते हैं, अच्छा इनमें किसी तरीके के केमिकल होते हैं ये एकदम प्योर होते हैं, देखते हैं क्या फायदा है इसका टिश्यू पेपर रखने इसका सर ये सब कुछ मिल जाएगा हमारे को ये जितना भी प्रोडक्ट है। हाँ सर सब कुछ। अच्छा मेरे को दिल्ली में ले चाहिए आप दे देंगे मेरे को। हाँ सर अगर आप बड़ा ऑर्डर देंगे तो आपको एक टाइम चाहिए, बिल्कुल लोकल है और जो पैसा है वो लेडीज को जाएगा या आपको जाएगा। ये सर जैसे अब काफ़ी सारे अलग अलग के ग्रुप्स है काम करने वाला तो इन्हें ग्रुप्स के हिसाब से ठीक है, तो सारा पैक कर दो आप समझ लो क्या आपने टूरिज्म ट्रेड किया, बच्चे हो आपके गांव में कुछ भी लोकल बन रहा है चाहे राजमा है चाहे आपका घी है, आप उसको स्कूल में आके अपने टीचर्स को भी बेच सकते हैं पर उसमें शर्माना नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से जब हम काम करेंगे ना तो उससे क्या होगा हमारा जो देश है वो तभी वो आगे जाएगा, आप लोग हमारे फ्यूचर है इस देश के। और मैं आप एंडिंग करूंगा एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कहीं भी आप जा रहे हो चाहे बस में जा रहे हो गाड़ी में जा रहे हो आपके माँ पापा जा रहे हो कोई भी किसी को भी कूड़ा फेंकने ना दे, हमारा एक ही जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें जो हिमाचल को है क्लीन एंड ग्रीन बनाना है ठीक है। प्लास्टिक को अवॉइड करो आप जितना कर सकते हैं और जितना भी आपका कूड़ा हो डस्टबिन में ही डालो और स्कूल के आसपास आपका स्कूल बहुत स्वच्छ है तो उस तरह से आप लोग काम करें ठीक है। जहाँ भी आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी मैं आपके साथ हूँ और लोकल को वोकल को हम बढ़ावा देंगे और जितना हो सके उसको टूरिज्म को डेवलप करेंगे ताकि आपको जॉब मिले ठीक है, क्योंकि अब बेरोजगारी हो रही है तो हम उस तरह से काम कर सकते हैं ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।